हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के टोटल 6 क्वेश्चंस कर चुके थे हम, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करने जाएंगे। देखो, अब मैं आपको एक बात बता दूं, सारे के सारे क्वेश्चंस में वही थ्योरी रहेगी जो है। आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे करने हैं, ठीक है, उसके क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी करने से क्या क्या प्रूव होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहता है। देखो, एक्सरसाइज लिख लीजिए 8.1। क्वेश्चन नंबर आपका है 7th में क्या कह रहा है वो। 7th में ये कह रहा है कि ABCD एक रॉम्बस है, तो पहले ABCD बना लेते हैं। ये हो गया A, देन B, देन C, देन D। ABCD एक रॉम्बस है, उसमें क्या है कि AC एक डायगोनल है। AC हमने एक डायगोनल बना दी। उसने क्या कहा है कि डायगोनल जो है वो हमको प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल C को बराबर भागों में बांट रही है, और सेम प्रूव करना है कि BD जो डायगोनल है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब जो AC जो डायगोनल है वो एंगल A को एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब कि मान लेते हैं इसका एंगल 1, ये एंगल 2, ये 3 और ये 4। हमको प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। सेम अगर इधर जाएंगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। बस इतना प्रूव करना है। तो मैं बस आपको कंडीशन बता देता हूँ कैसे प्रूव करेंगे और क्या क्या लिखेंगे इसमें। सबसे पहले देखो, हमको पता है कि गिवन क्या है कि ABCD इज ए रॉम्बस, ठीक है। तो रॉम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। सारी की सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर होती है रॉम्बस में, बिल्कुल हाँ, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल C को AC जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रही है। बस इतना सा प्रूफ करना है। और BD जो डायगोनल है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। तो हम पहले एंगल A और एंगल C के लिए ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, देखो हम सबसे पहले देखिए, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो अगर हम ADC और ABC ट्रायंगल ले लेंगे, ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है, ये AB और C और ADC, ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आसान हो जाएगा। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, और ये जो साइड है वो कॉमन आ गई, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी ये इक्वल हो गए। तो क्या हो सकता है, देखो अब ये देखो, इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो इसको करेंगे कैसे। अब देखो, हमको पता है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, AB जो है वो पैरेलल है, AB साइड इज पैरेलल टू DC। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं। और हमको ये भी पता है कि AB इज इक्वल टू DC है, इसका भी रीज़न वही है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। इतना हमको पता चल गया। अब ये देखो, AB हमने पैरेलल कर दी DC के। अब हमको ये भी पता है कि जो AD रहेगा वो पैरेलल है किसके, BC के, और वो भी बराबर है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इसमें देखो, CD इक्वल हो गया AB के, ये हमने लिख दिया। CD मतलब DC इज इक्वल टू AB और AD इज इक्वल टू BC, ये भी हमने लिख दिया। अब देखो, अगर आपका ये दोनों बराबर हैं साइड्स, ठीक है, AD और DC, अब देखो इसमें AD इज इक्वल टू DC, ये हमको पता चल गया इक्वल है। क्यों, यहाँ पे हमने देख लिखा है कि सारी साइड्स इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे लिख देते सिंस AD इज इक्वल टू DC, देयरफोर एंगल 1 इज इक्वल टू, देखो AD और DC, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, रीज़न क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ, नहीं ऑपोजिट साइड्स नहीं, साइड्स ऑपोजिट, देखो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट की साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, यही प्रॉपर्टी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ऑपोजिट साइड्स
साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, साइड्स ऑपोजिट ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, इसीलिए एंगल ओके सॉरी ए डी इज इक्वल टू डी सी हमने ये प्रूव किया ना, तो ये साइड्स से कोई मतलब नहीं होगा, ये होगा कि एंगल ऑपोजिट टू, यहाँ पे एंगल आ जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि साइड्स पता है हमने तो एंगल्स प्रूव करने हैं, तो एंगल इक्वल हो गए, देखो ए डी इज इक्वल टू डी सी है तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ट्रायंगल ए डी सी में देखो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो कि डी सी इज पैरेलल टू ए बी, हमने हमको पता है, ठीक है, हमने पहले भी लिखा है, तो देखो और इसमें ट्रांसवर्सल कौन सा है, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल, तो इससे क्या प्रूव होता है, देखो ए डी सी इज इक्वल टू ए बी और उसमें से ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो देखो ये वाला एंगल एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने लिखा गया, देखो डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ये लाइन इसके ये साइड इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, इसका रीज़न क्या हो जाएगा, देखो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, इसका रीज़न क्या हो जाएगा, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इससे क्या प्रूव होता है, देखो एंगल वन एंगल टू के बराबर था और एंगल टू एंगल फोर के बराबर है, तो इससे हम लिख सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये हमको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या पता लगा कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर है, ठीक है, एंगल वन इज इक्वल टू किसके हो गया, एंगल फोर के। अब देखो एंगल वन और एंगल फोर के बराबर है, मतलब कि जो ए सी है बाइसेक्ट किसे कर रही है, एंगल ए को, इससे ये तो प्रूव हो गया एंगल ए को बराबर कर रही है। अब देखो इसी तरह से अब क्या करेंगे, देखो ए बी और बी सी भी बराबर होगा क्योंकि ये रोम्बस की साइड्स हैं, अब रोम्बस की साइड्स हैं और इक्वल हैं तो एंगल फोर और एंगल थ्री भी बराबर होगा, हमने क्या प्रूव किया था, एंगल फोर एंगल टू के बराबर है, अब एंगल थ्री भी है फोर के बराबर है, टू भी फोर के बराबर है, तो टू और थ्री भी बराबर हो जाएगा, मतलब कि ए सी बाइसेक्ट एंगल सी को भी करेगी, तो ये तो प्रूव हो गया कि ए सी जो डायगोनल है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रही है, सेम थ्योरी लगेगी एंगल सी के लिए भी, ठीक है। अब इसके लिए इसके बाद हम लिख सकते हैं सिमिलरली बी डी ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल डी एंड एंगल बी एज प्रूव्ड अबव फॉर एंगल ए, ठीक है, इतना सा लिख के आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, आपको पूरा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए एट्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, सेम क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा के है। एट्थ क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, देख लो फिर ए बी सी डी को देखते हैं, ये ए यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये चार ये एक रेक्टेंगल है, उसने बोला है कि ये एक रेक्टेंगल है जिसमें कि ए ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, जो ए सी डायगोनल है वो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब वन टू थ्री और फोर, इसमें क्या गिवन है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर और एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, ये गिवन है, ठीक है। उसने बोला है कि ए सी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए और एंगल सी को, हमको क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करेंगे, हम फिर से वही कॉन्सेप्ट, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर है, ये तो हमको पता है। अब देखो हमको सिर्फ प्रूव करना है एंगल फोर और एंगल थ्री बराबर है, उसमें हमको कैसे प्रूव किया था, हमको एक्चुअल में प्रूव क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, अगर इतना प्रूव कर दिया तो ये पता लग जाएगा कि ये स्क्वायर है, ये दोनों इक्वल हो गया तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा कि ये इसके पैरेलल है, बस इतना सा प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है। उसके लिए हमको क्या करना है, एंगल फोर इक्वल टू एंगल थ्री प्रूव करना है, हमको पता है कि एंगल वन एंगल फोर के बराबर है, अब क्या करेंगे,
एंगल ये जो साइड ए बी है वो डी सी के पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 4 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है तो 2 और 3 तो बराबर है ही, ये तो हमको पता है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे इसको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये तो गिवन है ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी सी इज पैरेलल टू ए बी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। AC ट्रांसवर्सल है हमको पता है, तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या रीजन हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 4 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा था सेम टू सेम डिट्टो, वहां पे आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमको देखो क्या होता है, हमको पता है कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। अब देखो इससे क्या प्रूव होता है, देयर फोर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। अब ये प्रूव हो गया तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी बी सी के बराबर प्रूव हो गया। अब हमको पता है कि बी सी इज इक्वल टू ए डी है, ठीक है, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो इससे हमको ये भी पता है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी है, उसमें क्या रीज़न आ जाएगा, सेम रीज़न, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब इनसे क्या हो जाता है, देखो ए बी बी सी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, और हमको पता है कि ए बी डी सी के बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो यही तो प्रूव करना था, रेक्टेंगल है मतलब 90 डिग्री है, सारे के सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स सारे के सारे चारों एंगल्स जो हैं 90 डिग्री हैं, वो तो हमको पता चल गया। अब हमने प्रूव कर दिया कि सारी की सारी साइड्स जो हैं वो बराबर हैं, तो यही तो प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, देयर फोर यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। इतना सा क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक फिगर दिया है बहुत बड़ा सा तगड़ा सा, मतलब देख के पहले तो डर जाएगा स्टूडेंट कि भाई इतना बड़ा फिगर है कैसे करेंगे इसको, लेकिन जितना बड़ा फिगर होगा उतना आसान लगेगा आपको। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक डायग्राम दिया है उसने ए बी सी डी। अब मैं पूरा डिटेल में आपको क्वेश्चन लिख के नहीं बताऊंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे ये करने हैं, ठीक है। और उसमें एक डायगोनल दिया है उसने बी डी का, ये ए है, ये बी है, देन ये सी है और ये डी है। उसने क्या बताया है, देखो यहाँ पे उसने दो पॉइंट लिए हैं, यहाँ पे पॉइंट क्यू और यहाँ पे है पॉइंट पी, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। अब उसने पूछा क्या है, पहला पार्ट, इसके पांच पार्ट हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। तो उसने क्या बोला है, पहले ट्रायंगल एपीडी, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला उसने, 9th क्वेश्चन के, ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू एंड सी। ए पी डी बी क्यू सी के, सी क्यू बी या बी क्यू सी किसी के भी लिख सकते हैं हम, सी क्यू बी लिख लेते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया है, सी क्यू बी इसके कॉन्ग्रुएंट है, ए पी डी सी क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा,
ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है, उसने बताया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसने ये भी बताया है कि क्यू बी इज इक्वल टू पी डी है, ठीक है, क्यू बी इज इक्वल टू पी डी है, तो ये भी हो जाएगा। दो साइड्स तो हमारी इक्वल होगी, एक ये वाली साइड इक्वल होगी और एक ये वाली साइड इक्वल होगी। अब देखो ध्यान से, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल से सी डी है और बी डी जो है ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बाई एस ए एस ये आपका प्रूव हो जाएगा, ए बी ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू बी। साइड कौन सी है? ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाली डबल साइड इसके बराबर है, गिवन है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो गया कि ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इसके बाद सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी देखो, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये वही ट्रायंगल में देखो साइड्स आ रही हैं जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधा से लिखना है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, एज वी प्रूव्ड अबव दैट ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी, बस इतना सा लिखना और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद देखते हैं ट्रायंगल ए क्यू बी, थर्ड क्या बोला है, ट्रायंगल ए क्यू एंड बी, ये वाला ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी, सी पी डी है बिल्कुल, ट्रायंगल सी पी डी। अब देखो इसमें क्या प्रूव करेंगे, देखो हमको पता है कि ए बी इज इक्वल टू ये वाली साइड इसके बराबर है, हमको पता है, तीन लाइनें इसलिए खींची क्योंकि एक और दो लाइनें खींच चुका हूँ, हमको पता है ये वाले ट्रायंगल्स में ए बी क्यू में, ए क्यू बी में और सी पी डी में कि ये दोनों साइड बराबर होंगी, और ये भी पता है हमको कि बी क्यू इज इक्वल टू पी डी है, हमने ये गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगर ये वाले एंगल्स की बात करें, ये वाला एंगल, ये तो एंगल था ही, ये वाला एंगल जो है इसमें मैं क्या कर देता हूँ, डबल थोड़ी सी मोटी लाइनिंग कर देता हूँ, ये वाला एंगल ये भी मोटी लाइनिंग कर देता हूँ, इसको लाइनिंग पतली कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये पहले प्रूव हो चुका है, ये मोटी लाइनिंग वाला एंगल जो है ये बराबर हो जाएगा, इसको मैं सॉलिड फिल कर देता हूँ, बिल्कुल सॉलिड फिल कर देता हूँ, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, सेम थिंग एज सी डी इज पैरेलल टू बी ए, और हाँ सी डी इज पैरेलल टू बी ए और बी डी इज ट्रांसवर्सल, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएंगे, तो फिर से साइड एंगल साइड ये प्रूव हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाकी आपने खुद लिखनी है थ्योरी, मैं बस बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट उसने क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन हो गया फोर्थ, देखिए ए क्यू इज इक्वल टू सी पी यू, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी कहा है उसने। अब देखो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये वाला ट्रायंगल हमने अभी अभी प्रूव किए हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ए पी इज इक्वल टू सी पी कैसे हो जाएगा, बाय सी पी सी टी, बस इतना लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आपके फिफ्थ, इसी के फिफ्थ पार्ट पे, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। अब आपको देखो ये दोनों, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, हमने बता दिया कि ये क्या है, इक्वल हैं। अब देखो ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होंगी तो ये पैरेललोग्राम होगा ही होगा, ये प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो फिफ्थ पार्ट भी बहुत आसान है, हमको बस ये लिखना है कि एज वी प्रूव्ड अबव ए क्यू इज इक्वल टू सी पी एंड क्यू सी इज इक्वल टू ए पी, एंड ठीक है, इतना सा लिखने के बाद लिख देना है कि देयरफॉर ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, बस इतना सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं टेंथ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, ए बी ए बी सी डी से क्या है, पैरेललोग्राम है, और उसको क्या प्रूफ करना है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो प्रूफ करना है, जल्दी से प्रूफ कर दें और ये एक्सरसाइज ख़त्म कर दें, बहुत लंबी खिंच गई एक्सरसाइज। देखो टेंथ क्वेश्चन, देखो आपको मैंने देखो तरीके बता दिए हैं कैसे क्या क्या प्रूफ करना है, आपको बस कॉन्सेप्ट लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आपका बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या कह रहा है आपका, टेंथ नंबर क्वेश्चन है ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, आपको बताया हुआ है उसने कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उसमें डी बी एक क्या है, डायगोनल है,
ये बी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। और उसने क्या बोला है, ए से लेके पी पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, ये पी है परपेंडिकुलर लाइन, और सी से डी बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए जिसको हमने नाम दे दिया क्यू। अब उसने क्या बोला है देखो कि हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी बी। फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू एंड डी। ये प्रूफ करना है, बिल्कुल यही प्रूफ करना है। तो देखो आपको पता है इसमें कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज पैरेलल एंड इक्वल, इतना लिखने के बाद और कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद सेकंड चीज़ देखो कि आपको पता है एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, आपको ये भी पता चल गया कि ये 90 डिग्री है। अब देखो एक और चीज़ आपको बराबर करनी है, क्या बराबर कर सकते हो, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर कर सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो इसको आपने क्या लिखना है, एंगल ए बी पी, ठीक है, ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, ठीक है। इसके सामने क्या लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल बिकॉज ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, बस इतना सा लिखना है और कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो बाय देखो क्या क्या हुआ, एंगल एंगल देन साइड, ठीक है, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी, इससे प्रूव हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल्स दोनों आपस में, बस इतना सा करना था। इसके बाद देखो आपने उसने क्या पूछा है, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी पूछा है कि सी क्यू के बराबर है, बस इतना सा पूछा है आपको उसने, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू प्रूफ करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का टेंथ का देखो क्या प्रूफ करना है, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, देखो ए बी पी, हाँ ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, देखो आप देखो ट्रायंगल्स में ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये प्रूफ करना है, बिल्कुल ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। देखिए अब ट्रायंगल देखिए ए बी पी और सी क्यू डी, ये हमने अभी प्रूफ किया था कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ए पी और सी क्यू इक्वल हो जाएगा कैसे, बाय सी पी सी टी, ये तो हमने प्रूफ किया ही है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं तो आपको पता ही है, प्रॉपर्टी है ये, तो ये आपका इजीली सॉल्व हो गया। इसके बाद चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11th पे, 11th क्वेश्चन क्या कहता है देखो, बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान देना है कि क्या प्रूव करना है और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। आपको प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए इसकी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले दिन ही कि इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ के अलावा और कुछ याद नहीं करना है, बाकी आपको सब कुछ प्रैक्टिस से हो ही जाएगा। ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको भी डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल ये दिया है, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं इसको। ये एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल दिया है आपको, सेम का सेम ट्रायंगल है यहाँ पे। उसने क्या बोला है, यहाँ से लाइन खींच दी हमने और इनको इनकी वर्टिसेस को हमने ज्वाइन कर दिया है ऐसे करके, और ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। उसी तरह इधर वाला क्या है, डी ई एफ, डी ई और एफ। अब प्रूफ क्या करना है, देखो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, यह 11th क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या प्रूफ करना है हमको। 11th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, हमको क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू डी, ठीक है, ए बी पैरेलल है डी ई के, इतना हमको गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, देखो ए बी पैरेलल, हाँ ए बी नहीं, इसमें लिखा है ए बी पैरेलल टू, ए बी इज इक्वल टू डी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी, ए बी पैरेलल है इसके और इसके एक बराबर भी है।
आपको बता दूं, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट कोई भी एक पेयर अगर इक्वल है और पैरेलल है, ठीक है, तो दूसरे ऑटोमेटिकली इक्वल भी हो जाएंगे और पैरेलल भी हो जाएंगे। आप खुद देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, इसके पैरेलल लाइन ये खींचता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ ए बी, इसका नाम दे देता हूँ सी डी, ये दोनों बराबर भी हैं और इक्वल भी हैं। अगर ये मान लो थोड़ा ऊपर नीचे भी है, मान लेते हैं ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये है डी और ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये है सी, ऊपर से स्टार्ट की हमने, पैरेलल है तो पैरेलल तो हमेशा पैरेलल ही रहेगी। अब देखो ये ऊपर को लाइन जाएगी ना, तो ये भी तो ऊपर को जाएगी, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी और बराबर होगी बिल्कुल। तो एक पेयर भी बराबर होता है ना, तो याद रखना एक पेयर भी बराबर और पैरेलल होगा तो सेकंड पेयर अपने आप पैरेलल और बराबर हो जाएगा, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। एक पेयर इक्वल भी है, पैरेलल भी है, गिवन है, तो ए बी ई डी ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखो क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी आपको ये भी गिवन है, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ एंड इक्वल टू ई एफ, देखो गिवन है, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ एंड इक्वल टू ई एफ, सेम प्रॉपर्टी जो पहले वाले पार्ट में लगाए थे वही इसमें लग जाएगी, कुछ नहीं करना है, एक पेयर पैरेलल है और इक्वल है तो ऑटोमेटिकली जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा बी ई एफ सी वो ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या कहा है, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। अब देखो हमको ये पता चल गया कि ये वाला एक क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम है और ये वाला क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, तो ऑटोमेटिकली जो ये तीसरा वाला होगा ज्वाइन कर रहा है तीसरी साइड को, वर्टिसेस को तीसरी साइड को, जो ट्रायंगल की साइड को ज्वाइन कर रहा है वो ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम होगा। इसमें भी कोई प्रॉपर्टी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिखना है एज वी प्रूव्ड अबव दैट ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम एंड बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, सो दैट्स वाई ए सी डी एफ इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, बस इतना सा लिखना है। इसके बाद उसने क्या बोला है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, अब ये पैरेललोग्राम है तो ए सी डी एफ बराबर भी होगा, एक दूसरे के पैरेलल भी होगा, ये हमने प्रूव कर दिया है। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखो हमने ये प्रूव कर दिया, ये तो गिवन है कि ए बी डी ई के बराबर है और बी सी ई एफ के बराबर है, तो हमने अभी प्रूव किया था ए सी डी एफ एक पैरेललोग्राम है तो ए सी डी एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो साइड कॉन्ग्रुएंसी से आपका ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपका 12th क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। 12th क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें ट्रेपेजियम का जिक्र किया है उसने, ये एक ट्रेपेजियम बनाया है, उसने क्या कहा है कि इसकी साइड्स हैं ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, उसने बोला है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, गिवन लिख देता हूँ मैं 12th का, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी का, और क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है। उसने क्या मांगा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव करना है, ये वाला एंगल इसके बराबर है ये प्रूव करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है आपने। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपने इसने हिंट दिया है कि इसको यहाँ से एक्सटेंड कर लो, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच लो जो कि यहाँ पे मिलती हो ई पे, ठीक है, और ये जो सी ई है वो पैरेलल होनी चाहिए ए डी के, अगर सी ई ए डी के पैरेलल होगी तो बराबर भी तो हो जाएगी और ये एक पैरेललोग्राम बना देगा ए डी सी ई, ठीक है, ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम बना देगा। अब हमको प्रूव करना है एंगल ए एंगल बी के बराबर है। अब देखो अगर ये हमने यहाँ से एक्सटेंड की है, देखिए ये एक्सटेंड की है तो ये देखो सी ई इज इक्वल टू ए डी होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है, ए डी के पैरेलल हमने खींची है, अगर सी ई ए डी के पैरेलल इक्वल होगी तो वो बी सी के भी तो इक्वल होगी क्योंकि ए डी इज इक्वल टू बी सी है। अब हमको पता चल गया कि ये वाली साइड इसके बराबर है और इसके बराबर है, तीनों में सिंगल सिंगल लाइन खींची है मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इससे ये भी तो प्रूव होता है कि इसके सामने वाला एंगल ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, अगर ये बराबर होगा तो हमको ये भी तो पता है कि इसका सम
और इसका सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसको हम लिख के दिखाता हूँ कैसे करेंगे। देखो, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हमको पता है एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये क्या, देखो लीनियर पेयर बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर में ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने इक्वेट कर दिया। अब हमको क्या पता है इसमें, देखो एंगल ए और ये देखो एंगल बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, मतलब सी बी ई, ये जो सी बी ई है ना, ये सी बी ई और एंगल ई बराबर है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ए आ जाएगा। यही हमको प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। सिर्फ किसकी वजह से प्रूव हुआ, क्योंकि हमने ये एक्सटेंड किया और ये लाइन इसके पैरेलल खींची, ये पैरेलल खींची तो ये इसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल है तो मतलब इसके भी इक्वल हो गई। अब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल इक्वल हो गए, मतलब कि इसमें से हमने इसीलिए तो काट दिया, एंगल्स ई इक्वल टू एंगल सी बी ई था, तो इसलिए माइनस कर दिया, इन दोनों को काट दिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपका प्रूव हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्रूव हो गया। इसके बाद उसने सेकंड पार्ट में क्या पूछा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी मतलब कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब आपको पता है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आपको पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है डीसी के, तो एंगल ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है सम 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। दोनों को सेम तरीके से इक्वेट करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा। जैसे हमने ये किया है वैसे ही वो कर देंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, डायगोनल ए सी ये वाली डायगोनल इज इक्वल टू ये वाली डायगोनल, बस इतना सा प्रूव करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी डी ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं, आपका थर्ड पार्ट है ना ये, हाँ नहीं फोर्थ पार्ट, देखिए ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए बी और डी एंड ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी इज इक्वल टू ए बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन साइड्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमने, हमको क्या पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, और हमको क्या पता है ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इतना प्रूव हो गया। देखो ये सॉल्व करने में लिखने में काफ़ी टाइम बर्बाद होता है, इसलिए डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, इसलिए आपको जल्दी जल्दी समझा दिया। इसके बाद देखो आपका लास्ट पार्ट, उसने क्या पूछा, हाँ डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी ये पूछा था, तो ये हमको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्यों हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो बाय सी पी सी टी, कुछ नहीं करना है, वही प्रॉपर्टी आपकी वापस रिपीट हो रही है जो ट्रायंगल्स में आपने पढ़ी थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है 8.1, इसके बाद सिर्फ एक और एक्सरसाइज रह गई है, बिल्कुल उसकी एक दो थ्योरीज हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, 7-7 क्वेश्चंस उसमें हैं, वो भी सारे थ्योरी बेस्ड ही हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ एग्ज़ाम में आपने क्वाड्रिलेटरल्स के सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के और एग्जांपल्स के करके जाने हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, और इतना कर लोगे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम ये क्लास ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो अलविदा लेते हैं आपसे,
उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।